हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। टीवी सीरियल वो तो अनुपमा के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि पाकी समर किंजल बहुत खुश होते हैं जब लीला और हसमुख उनको बताते हैं कि वनराज ठीक है। लीला कहती है अनुपमा से कि अब मैं उनको नहीं देखना चाहती। हसमुख कहते हैं कि अनुपमा तुम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो तुम मत जाओ। लीला लेकिन अनुपमा को इंसिस्ट करती है। वनराज अनुपमा का वेट करता है, वनराज से मिलती है और वनराज अनुपमा से कहता है कि काव्या मुझे छोड़कर चली गई। वो कहता है ज़िंदगी वाकई में बहुत छोटी है, इसीलिए वो अपने अनुपमा के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता है हार्ट अटैक से पहले उसे क्या फ़ील हो रहा था। वनराज तभी कहता है कि अब मैं यहाँ पर ये प्रूफ कर चुका हूँ कि मेरे सीने में भी दिल है, अब कोई मुझे हार्टलेस नहीं कहेगा। वो अनुपमा से कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप है जो अब मेरे दिल में अभी भी है। वनराज यहाँ रिग्रेट करता है अनुपमा को हर्ट करने के लिए और उससे माफ़ी मांगता है। अनुपमा कहती है वनराज से कि काव्या ने आपको नहीं छोड़ा लेकिन आपने उसको फोर्स किया आपको छोड़ने के लिए। वो कहती है कि रिलेशनशिप को सेफ रखना उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। वनराज कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ। तभी उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लगती है। अनुपमा कहती है वनराज से कि आप रिलैक्स कीजिए। वनराज कहता है थैंक्स तुम आई। लीला यहाँ भगवान से प्रे कर रही होती है कि वनराज जल्दी से सही हो जाए। हसमुख कहते हैं कि जब से वनराज का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक तूने सिर्फ अपने बेटे का ही साथ दिया, इवन तूने अनुपमा की तकलीफ उसकी परेशानी कभी भी उसकी वैल्यू नहीं समझी। हसमुख कहते हैं लीला से कि ये टाइम अब तो कितनी इनोसेंट बन रही है लेकिन तेरा ये असली चेहरा असली नेचर नहीं है। वो लीला को काउंटर करता है ये कहकर कि अनुपमा को तू वापस चाहती है इसलिए उसके साथ इतनी मीठी बन रही है ना। हसमुख कहते हैं अनुपमा वनराज को डिज़र्व नहीं करती, इवन वो अनुज को भी डिज़र्व नहीं करती। लीला कहती है तो इसमें बुराई क्या है अगर मैं अनुपमा को वापस लाना चाहती हूँ तो। और वो कहती है कि वैसे भी जो गलत है वही सही होता है। बाकी समय पारितोष एक दूसरे से बात करते हैं और वो रिग्रेट करते हैं कि अनुपमा और वनराज हमेशा से कैसे हर्ट हुए हैं। पारितोष रिग्रेट करता है कि मैं अच्छे से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा बेटा होने के निभाते नहीं कर पाया और अभी भी मैं वनराज से ही डिमांड करता हूँ हर चीज़ के लिए। बाकी पारितोष समर दोनों सभी लोग मिलकर के रो रहे होते हैं। किंजल आती है उन्हें कंसोल करती है पारितोष समर को। समर थैंक्स कहता है किंजल को कि आपने हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के पीछे से बहुत अच्छे से रखी है। बाकी कहती है किंजल से कि हाँ आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, आप बेस्ट हो। किंजल पारितोष समर पाके डिस्कस करते हैं अनुज के बारे में और वो प्लान करते हैं देविका को कांटेक्ट करने की क्योंकि किंजल माया पर ट्रस्ट नहीं करती। कांता और भावेश यहाँ डिसाइड करते हैं कि अनुपमा के सामने अनुज की बात कोई नहीं करेगा। अनुपमा घर लौट कर आती है, कांता कंप्लेन करती है अनुपमा से कि तू हॉस्पिटल वनराज के लिए क्यों गई। अनुपमा उसे करेक्ट करती है, वो कहती है कि एक मिनट माँ, मैं बाबूजी और बच्चों के लिए गई थी वहाँ। और वो आगे कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ना तो अब अनुज चाहिए और ना ही वनराज। वनराज यहाँ वापस आ जाता है हॉस्पिटल से। लीला और शाज उसे वेलकम करते हैं। वनराज कहता है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं ऑफिस रिजॉइन करना चाहता हूँ। लीला कहती है वनराज से कि बेटा तू रेस्ट कर। वनराज कहता है कि नहीं नहीं, ये रेस्ट बीच में अलाउ नहीं होता, वैसे भी हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे कमाने वाला एक हो उसमें रेस्ट नहीं होता। अनुपमा कहती है वनराज सही कह रहे हैं, भगवान ने बीमारी दी है, ज़िंदगी ने बीमारी दी है लेकिन हमें उसको रेस्ट करके गंवाना नहीं चाहिए। शाह कहते हैं वनराज से ठीक है तो अंदर तो आ। वनराज कहता है अनुपमा से तुम भी आओ। अनुपमा यहाँ पर रिफ्यूज़ कर देती है वनराज के लिए खाना बनाने से और लीला की डिमांड को मानने से। वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है अनुपमा के साथ और वनराज काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है कि पता नहीं हसमुख और लीला का क्या होगा, यानी कि माँ और बाबू जी का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया कभी तो। मुझे आज ये डर बहुत सता रहा है और मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ अनुपमा, ऐसा वो कहता है। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनुपमा ने मालती देवी का जो डांस एकेडमी है वो ज्वाइन कर ली है। फिर ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।